महाराष्ट्र की राजनीति में लाउड स्पीकर पर महासंग्राम जारी है। इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने दिवंगत बाला साहब ठाकरे के भाषण का एक पुराना वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए शिवसेना पर निशाना साधा है। इस वीडियो में बाला साहब लोगों को बता रहे हैं कि लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए। इस ट्वीट का जवाब तुरंत शिवसेना नेता संजय राउत ने दिया। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में कोई भी गैरकानूनी लाउड स्पीकर नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग राज्य का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में शांतता है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है। महाराष्ट्र में कोई भी गैर कानूनी लाउड स्पीकर नहीं चल रहा है पहले से, तो ये आंदोलन क्यों कर रहे हो भाई? आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हो। पूरे देश में कानून बना है लाउड स्पीकर के बारे में, उसका पालन इस देश के प्रदेश में हो रहा है, तो नई बात क्या है उसमें? बाला साहब का वीडियो ट्वीट करके क्या वो दिखाना चाहते हैं? उनको क्या बाला साहब ठाकरे मालूम? जो लोग बाला साहब जी को छोड़ कर गए, उनके जीते जी, वो हमें हिंदुत्व तो क्या सिखाए? बाला साहब ने अपने उस स्पीच में लाउड स्पीकर की बात जरूर की है, आपने देखा होगा। लेकिन बाला साहब के रहते हुए ही मुंबई और महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का मुद्दा खत्म हुआ। लेकिन लगातार राज ठाकरे जी को, शिवसेना को हिंदुत्व की याद दिला दे रहे हैं वो, और शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे का हर बार जिक्र हो रहा है। जिस स्कूल में हिंदुत्व की शिक्षा पढ़ाई शुरू की है ना, वो स्कूल मास्टर की डिग्री फर्जी है, वहां से वो हिंदुत्व की शिक्षा नहीं ले सकते। बाला साहब ठाकरे और वीर सावरकर दो ही लोग थे जिसने देश को हिंदुत्व सिखाया है, पढ़ाया है और हमारे जहन में डाला है। बाकी सबकी डिग्री फर्जी है। शिवसेना की स्कूल जो है हिंदुत्व की, वो ओरिजिनल स्कूल है। संजय राउत भले ही कुछ कहे, लेकिन मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर ऐलान किया है कि जहां मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतरेगा, वहां हनुमान चालीसा होगा। राज ठाकरे ने कहा कि यह सामाजिक विषय है, ये धार्मिक नहीं। अगर वो इसे धार्मिक रंग देते हैं तो हम भी उसी अंदाज से जवाब देंगे। राज ठाकरे ने साफ कहा है कि हम इस मुद्दे पर शांति से बात करना चाहते हैं, लेकिन सरकार इसे नहीं समझ रही है। सरकार हमारे लोगों को गिरफ्तार कर रही है। सरकार को हमारे लोगों को गिरफ्तार करने से क्या मिल जाएगा? यानी कुल मिलाकर देखें तो महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर जमकर सियासी बवाल हो रहा है।